जय माता दी, माता रानी की कृपा से एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा और किस प्रकार जीवन में कई सारी चीजों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है, कुछ परेशानियों का निदान हो सकता है, कुछ चीजों को लेकर मन में कुछ नकारात्मक विचार आने की संभावना का निदान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज के शाम का समय कैसा रहेगा, रात के शाम किन घटनाओं के शिकार होंगे, किन चीज़ों को लेकर मन में कई चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा, किस प्रकार जीवन में खुशियां मिलेंगी, किन चीज़ों को लेकर मन में कुछ नकारात्मक विचार आते रहेंगे, आज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपका व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी आप सभी के लिए किस प्रकार शुभ बेहतर हो सकते हैं, आज आपको बताएंगे कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे में सुबड़ियों को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में समस्त समस्याओं से आप सभी को छुटकारा भी प्राप्त होने वाली है। कार्य व्यापारी व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे, आपके सोचे हुए सारे के सारे कार्य भी सफल होंगे, आपको कई प्रकार के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होंगे, तो आपकी जिंदगी सवरने वाली है, आपको कई प्रकार के लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, दिन शुभ होंगे, कई सारी व्यापारिक कार्य में आप लोगों की गति बेहतर विद्वान वाली स्थिति रहेंगे, बच्चों के साथ धैर्य रखते हुए कार्य को करने हो सकते हैं, बेहतर ग्रह स्थिति बनी हुई है, अगर मन में कोई दुविधाजनक स्थिति है तो उसे नज़दीकी मित्र के साथ अवश्य ही शेयर कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको समाधान मिलेगा, दैनिक कार्यों के साथ साथ अन्य कार्य भी बड़ी सहजताओं से पूरा कर पाएंगे, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में से खुद को दूर रखें तथा हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ और लोगों के मध्य अपमानित भी आज आप सभी को महसूस होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पैसा आने के पहले जाने का रास्ता तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्च पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, गुरुवार में पारदर्शिता रखना अत्यंत आवश्यक होगा, आज अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से पेपर वगैरह अवश्य चेकअप करवा लें, अगर किसी भी संबंधी के साथ पार्टनरशिप संबंध व्यवसाय करने की योजना है तो पहले उसके सभी पहलुओं से संबंधित आपसे विचार विमर्श अवश्य कर ले सकते हैं, पारिवारिक सदस्य सारे मुश्किल स्थितियों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रह सकते हैं, प्रेम प्रसंगों के मामले में खुद को ही दूर रखें तो अच्छा रहेगा, मौसमी परेशानियां जैसे खांसी जुकाम एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती हैं, रोग निवृत्त के प्राकृतिक तरीकों पर आपको अधिक भरोसा करने होंगे, आज प्राप्त होने वाले हर एक अवसर से संबंधित जिम्मेदारियां और प्रयत्न के परिणाम का अवलोकन करके आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के इरादों को स्पष्ट स्वरूप से जान पाना संभव नहीं होगा, इस कारण किसी भी भरोसा करते समय सतर्कताएं रखना हो सकता है, काम से संबंधित एकताएं बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, काम से जुड़ी बातें कुछ हद तक जटिल हो सकती हैं, परिस्थितियों के अनुसार आप खुद को काफी हद तक बदल जा सकते हैं, पार्टनर्स में यह क्षमता न हो जाने की वजह से रिलेशनशिप में संतुलन बिगड़ सकता है, सर्दी खांसी की तकलीफ हो सकती है या परेशानियों का निदान हो सकता है, कुछ समय मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, रुकावटों के बावजूद आप महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में सक्षम रहेंगे, पिछले कुछ समय से जो चल रहा है मध्य अस्त्राओं से हल हो सकता है, मित्रों एवं सहयोगियों के साथ संबंध एकदम प्रगाढ़ को होने हो सकता है, अपने बजट को अपने आवश्यकताओं के अनुसार सीमित एवं संतुलित रखें, भूमि या वाहन से संबंधित आज ऋण लेने के विचार बन सकता है, उस पर एक बार पुनः विचार अवश्य करें, घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, व्यवसाय में उचित जानकारी के अभाव के कारण कोई कार्य रुक सकता है, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आपको अनुसरण करना हो सकता है, आज शेयर बाजार व तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वाले सावधानी एवं आज सावधानी से कार्य कर सकते हैं, विस्तार की योजनाओं पर आपको निवेश करना फायदेमंद रह सकता है, पति पत्नी में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप की वजह से गलत कामया उत्पन्न कर सकते हैं, बेहतर होगा कि सभी कार्य को अपने जांच एवं नियंत्रण तरफ से करवाएं, आपका दिन शुभ और कार्य बहुत ही सारे लाभ